कब्रिस्तानी गतिविधियों में शामिल अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से चुनावी मैदान में उतर रहा है। इसकी जानकारी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दी। सोमवार को अमृतपाल सिंह के नामांकन का काम पूरा हो जाएगा। इसकी जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया। अमृतपाल वरिष्ठ ने दा पंजाब नाम के एक संगठन का मुखिया है। अमृतपाल की पिछले साल पुलिस ने खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल होने, हत्या के प्रयास, देश के संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA की धारा लगाकर असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल सिंह का नामांकन जेल के सुपरिटेंडेंट जेल में ही कराएंगे। दरअसल अमृतपाल सिंह ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव नामांकन के लिए 7 दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी करने की अपील की थी। अमृतपाल ने हाईकोर्ट को बताया कि वो खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उसे नामांकन दाखिल करना है। ऐसे में उसे 7 दिन के लिए रिहा करने का आदेश जारी किया जाए। यदि ये संभव नहीं है तो इसके विकल्प में चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि जेल में ही उसका नामांकन भरने का इंतजाम किया जाए। उसने अपील की कि डिब्रूगढ़ के HDFC बैंक के जरिए तरन तारण के HDFC बैंक में खाता खोलने की इजाज़त दी जाए। नामांकन भरने के लिए उसे एक प्रपोजर से मिलने की भी इजाज़त दी जाए।